जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे राधे। आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों सहित हमारे YouTube फैमिली से जुड़े हुए सभी सदस्यों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उस योजना के बारे में, जिस योजना के बारे में हमारे लाभार्थियों को सही सही जानकारी नहीं है, जिस योजना के लाभ से हमारे लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण एक ही है, जानकारी का अभाव, प्रचार प्रसार का अभाव। और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं ये जानकारी शेयर करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि यह भी एक माध्यम है प्रचार प्रसार का। और ये हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि वो अपने क्षेत्र में इस योजना के बारे में प्रचार प्रसार करें। और आज जो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, ये भी एक प्रचार प्रसार का माध्यम ही है। जी हाँ, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो पहली बार मां बन रही है। उसमें लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता है। पहली बार जो गर्भ धारण करेंगी, पहला जो बच्चा होगा, उसमें आपको 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं दूसरी बार अगर आप मां बनती हैं और आपको लड़की होती है तो 6,000 का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। अगर दूसरी बार में लड़का होता है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर हो जाइए। तो हम इस योजना के बारे में आज आप लोगों को बताने आ रहे हैं कि अभी ठंड का मौसम है, आंगनवाड़ी केंद्र बंद है और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहने अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे उपस्थित है, तो उस क्षेत्र की लाभार्थी जो पहली बार माँ बनी है या दूसरी बार उनको लड़की जन्म लिया है, वो लोग अपने अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाए और आंगनवाड़ी सेविका दीदी के माध्यम से इस फॉर्म को भरे और ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ उठाए। इसमें हम आपको बताते हैं, योजना अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 2 किस्तों में 5,000। जी हाँ, 2 किस्त में 5,000 रुपए मिलेंगी। वहीं दूसरे शिशु के कन्या होने पर, आपको हमने पहले ही बताया है कि दूसरा जो बच्चा होगा वो अगर कन्या होंगी तो 6,000 रुपया 1 किस्त में ही आपको मिल जाएगा, वो 2 किस्त में नहीं मिलेगा। पोर्टल लिंक यहाँ पे दिया हुआ है या PMMVY मोबाइल ऐप पर जाकर आंगनवाड़ी सेविका आवेदन की एंट्री एवं आवेदन सत्यापन कर सकती है। तीसरा कॉलम में दिया है, योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका को लाभों का समय अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण करने पर 250 एवं ऑनलाइन आवेदन का ससमय सत्यापन करने हेतु 150 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब यहाँ आते हैं, योजना के शर्तों के अनुसार आंगनवाड़ी सेविका अपने क्षेत्र अंतर्गत योग्य लाभुकों का पंजीकरण मोबाइल ऐप के माध्यम से करेंगी। आवेदकन में लाभुकों का मोबाइल नंबर दिया जाना है, जो लाभार्थी होंगे उनका मोबाइल नंबर दिया जाना है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना कार्यालय या जिला प्रोग्राम कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस योजना का लाभ लेने से पहले आपको कुछ दस्तावेज जो है वो एकत्रित करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको बता रहे हैं, जो लाभार्थी होंगे उनका आय प्रमाण पत्र 8 लाख तक का, दूसरा में है मनरेगा कार्ड, तीसरा में है किसान सम्मान निधि कार्ड, चौथा है ई श्रम कार्ड, पांचवा है जन आरोग्य कार्ड, छठा है राशन कार्ड BPL, सात में है विकलांगता प्रमाण पत्र, आठ में है अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। इन सब में से कोई एक ही दस्तावेज चाहिए जिसको ऑनलाइन अपलोड किया जाना है। वो आवेदन के पंजीकरण की समय सीमा अंतिम मासिक चक्र व आवेदन की तिथि के बीच 580 दिन अथवा 19 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा। जी हाँ, अगर 580 दिन अथवा 19 माह से अधिक हो जाता है तो आपका आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा, आप योग्य लाभार्थी होते हुए भी उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। कुछ उसमें दस्तावेज भी आपको जमा करने होंगे, जैसे कि आय प्रमाण पत्र 8 लाख तक का, मनरेगा कार्ड, किसान सम्मान निधि कार्ड,
ई श्रम कार्ड, जन आरोग्य कार्ड, राशन कार्ड बीपीएल वाला, विकलांगता प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, इन सब में से कोई एक ही दस्तावेज चाहिए जिसको ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए। तो और तो नहीं, लेकिन आप चाहे तो बगल के साइबर पे जाएंगे और वहाँ आसानी से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जब आप अपने बच्चे का टीकाकरण करवाते हैं तो सभी टीके उस टीकाकरण कार्ड पे अंकित होने चाहिए और उस एमसीपी कार्ड पे आपको आरसीएच नंबर चाहिए तो चाहिए, बिना आरसीएच नंबर के भी आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। तो आप अपने एएनएम दीदी से संपर्क करके उस पे आरसीएच नंबर जरूर चढ़वाएं। अगर इस योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं तो अविलंब बिना देर किए हुए आज के आज नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पे जाएं, सेविका दीदी से संपर्क करें और इस फॉर्म को भरवाएं, सभी दस्तावेज उनको दे और इस योजना का लाभ उठाएं। ये आपके लिए सुनहरा मौका है, तो जाइए फटाफट, देर न करिए और अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पे सेविका दीदी से संपर्क करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।